मैसेज। हेलो, आपका मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस विषय की जिसको लेकर सियासत में सवाल गुम है। मसला सीधे तौर पर सियासत के उस मुद्दे से जुड़ा है जिसको लेकर ओबीसी की लड़ाई में वो मुद्दा गुम हो रहा है। मसला जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द सियासत के उस पहलू से जुड़ा है जिसको लेकर सियासी शोर सिर्फ नेताओं के दल बदलने से किससे तक सीमित है। मैं बात कर रहा हूं उस किसान आंदोलन की जिसकी तपिश, जिसके असर, जिसके विस्तार को लेकर इस वक्त चर्चा नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हर तरफ शोर है, मगर इस शोर में एक महत्वपूर्ण सवाल गुम है। पहले चरण का चुनाव, पहले चरण के चुनाव में सीधे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कौन किस पर हावी होगा, यह आज सवाल बना। लेकिन इस सवाल के भीतर एक सवाल छिपा हुआ है। सवाल यह कि किसान आंदोलन की आज क्या पहले चरण के चुनाव में कुछ असर डाल पाएगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद कीजिए मुजफ्फरनगर के दंगे, और इन दंगों के बाद उत्तर प्रदेश में खूब सियासत हुई, और सियासत के गणित में 2013 के दंगे थे, और सियासत के गणित में जाट और मुस्लिम बांट गए। लेकिन किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर से एक मंच पर, तिलक जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक मंच पर जाट और मुसलमान एक साथ नजर आए, एक साथ। याद कीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में ये जो जेएम फैक्टर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो काफी महत्वपूर्ण है। यूपी में सत्ता का सूर्य किसका उगेगा, इसका जवाब तलाशने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण होगा। 58 सीटों पर चुनाव, 58 सीटों पर, सीटें वेस्ट यूपी के उन जिलों की है जिसका इतिहास ये बताता है कि पिछली बार चुनाव में 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने यहां से जीती। 2013 का जिक्र मैंने किया जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसके बाद सांप्रदायिक नजरिए से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बांट दिया गया। 2014 का चुनाव हो या 2017 का चुनाव, इसका असर दिखाई दिया। और अब याद होगा आपको जब कांग्रेस और सपा साथ लड़े थे तब कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं, लेकिन आज सपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ खड़े। किसान आंदोलन जिसका असर सीधे तौर पर जमीन पर दिखाई दिया, खाद पानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही गया, इस आंदोलन को सींचने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने किया। मैं सीधा रुख करूंगा क्योंकि मसला किसानों के वोट बैंक का है। तो याद करिएगा कि जब मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, महापंचायत, तब एक नारा खूब गूंजा था, हर हर महादेव और अल्लाहु अकबर, यानी जो किसान मुसलमान और जाट में बदल गया था वो अब किसान अपने किसानी धर्म पे आ गए, क्योंकि किसानी भी सबसे बड़ा धर्म है। अब इसके क्या मायने हैं, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर आप हार गए
क्योंकि 90% सीटें बीजेपी ने 2017 में यहीं से जीती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में अगर किसानों के परिवारों के आंकड़ों का जिक्र मैं करूं तो 2 करोड़ से ज्यादा ये परिवार है। मैं फिर से दोहराऊं, परिवार है। किसान परिवारों की जनसंख्या का जिक्र करूं, संख्या का जिक्र करूं तो करीब 14 करोड़ हो जाए। परिवार 2 करोड़ से ज्यादा और जनसंख्या इनकी 14 करोड़। और जो किसान वोटर है, जो वोटर है, जो माने जाते हैं, वो 9 करोड़ से ज्यादा है। अब इसका असर क्या होगा? अन्नदाता किसके बनेंगे भाग्य विधाता? आज सीधा सवाल यही है। सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। इस वक्त आपको बता दें, जो मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त अभिमन्यु त्यागी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही स्वामी इंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार जी, किसान नेता है। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय दिश्री जुड़ चुके हैं, जो की राजनीतिक विश्लेषक है। मेरा ऑडियो ठीक कराए, ऑडियो साफ नहीं आ रहा। अभी आएगा, अभी ऑडियो आएगा सर, मेरा मेरी आवाज पहुंचेगी आप तक, रुकिए एक मिनट। मनोज यादव जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। मनोज यादव बेबाक अंदाज से ऑडियो साफ कराए, ऑडियो साफ नहीं आ रहा। कैप्टन साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। कैप्टन साहब ऑडियो आ रहा है मेरा? कैप्टन साहब ऑडियो आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा। कैप्टन साहब को जोड़िए प्लीज। लेकिन पहले शुरुआत में स्वामी साहब आपसे करना चाहूंगा, अन्नदाता किसके बनेंगे भाग्य विधाता? स्वामी जी। तिलक जी, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है, पर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरा नाम स्वामी इंद्र है और मैं किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। कृपया जो मेरा नाम है वो ठीक कराएं। और दूसरी बात, ये भाग्य विधाता किसान तो सदा ही इस देश के जो है अन्नदाता के रूप में पहचाना गया है। हम किसी के भाग्य को बनाने और बिगाड़ने नहीं आए हैं। आज हम किसान जो है दिल्ली की दहली से उठकर वापिस अपने घरों पे जो आया है, एक विश्वास के साथ आया था कि सरकार ने जो हमसे कहा, वचन दिया था कि किसानों के हुए मुकदमों को हम वापिस ले लेंगे, एमएसपी की गारंटी को ऊपर लेकर हम समिति का गठन करेंगे। आज देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कथन को याद कीजिए और आज उस दौर को याद कीजिए। लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक एमएसपी को लेकर सरकार द्वारा कोई भी जो है कमेटी का गठन नहीं किया गया है, ना ही किसानों को आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे में किसानों का पूरे भारत के अंदर जो विरोध है इस मौजूदा सरकार के ऊपर, आपको खुलकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नजर आता को नजर आएगा। और अभी आपने जिक्र किया था कि 5 सितंबर 2020 को मुजफ्फरपुर रैली के अंदर किसानों इस बात को माना कि ये बांटने वालों के चक्कर में हम फंस गए थे, हमने अपना भाईचारा उत्तर प्रदेश की धरती पर खराब किया, उसकी हमने क्षमा याचना भी की। और बड़े पैमाने में आपने देखा कि तमाम समाज के लोग, तमाम बिरादरी के लोग चलकर मंच पर आए। बाबा महेंद्र सिंह जी का, चकैत जी का जो आंदोलन दिल्ली का था, बोट क्लब पर था, उसकी जो उसको उसकी संख्या वाल को तोड़ते हुए यहाँ पर लगभग 15-25 लाख लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ। और आपने देखा होगा, आप ये कह रहे हैं कि भाग्य विधाता बनेंगे, लेकिन स्वामी जी किसके बनेंगे भाग्य विधाता? देखिए, भाग्य विधाता तो आज प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां उभर कर आई हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, व्यापारियों को सुरक्षा नहीं है, बहन बेटी की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं है, आप तमाम मुद्दों को देख लीजिए, लोगों ने निर्णय लिया, तमाम मुद्दे मनोज जी उठा लेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं। आप बताइए, 70% देश की आबादी, 70% देश की आबादी, उसमें हमारी बहन बेटियां भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी है, देश का पालनहार भी है। हमने तो क्लियर कह दिया कि जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। और हमने क्लियर कह दिया, बाबा तो गयो उत्तर प्रदेश में ये कहावत सिद्ध होती जा रही है। स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि नाराजगी दूर नहीं हुई, ये तो कह रहे हैं कि हम नाराजगी दूर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नाराजगी दूर नहीं, कुछ नहीं किया सरकार ने। देखिए, जो हमने मांगा नहीं, सरकार ने हमें दे दिया था। जबरदस्ती 3 काले कानून हमारे पर थोपे गए, वो सरकार ने वापस ले लिए। पर हम जो लगातार चिर लंबित हमारी मांगे थी, एमएसपी की गारंटी, उत्तर प्रदेश का किसान
जब उत्तर प्रदेश से अपना अनाज को पैदा कर कर वन नेशन वन मार्केट की जब ये बात करते हैं तो हरियाणा की तरफ हमारा किसान जाता है तो उन पे लाठियां भांजी जाती है। ये कैसी बातें करते हैं, ये सिर्फ देश को वरगलाने का काम करते हैं। आपका राजनीतिक आगमन क्या कहता है, क्या वाकई में अन्नदाता बनेंगे भाग्य विधाता, लेकिन किसके, अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सबसे दिलचस्प स्टोरी एक ये भी है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पर है, और इसमें भी एक महत्वपूर्ण गणित है जो अभी मैं मनोज यादव के साथ सुलझाऊंगा। लेकिन पहले आपके पास आना चाहूंगा, आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक से सात कैंडिडेटों की घोषणा की है तिलक जी, और उसमें से 83 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूरे पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। 83 कैंडिडेटों को उन्होंने रिपीट किया है। और आज मैं अभी स्वामी जी की अगर मैं बात सुनूं तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ऐसा मन बना लिया है कि सपा और लोकदल के साथ ये लोग जाएंगे। मैं तो पूछ रहा था, बताया नहीं मैंने, ये भी हो सकता है अभी मनु त्यागी का नाम ले लो। इनकी बातों से स्पष्ट हो रही है कि ये सपा और लोकदल की भाषा, इनकी भाषा राष्ट्रीय लोकदल वालों की है। राष्ट्रीय लोकदल के घोषित प्रवक्ता की तरह आपने बताई जाना है, लेकिन एनीवे मैं अगर आंकड़ों की बात करता हूँ तो यही वो सरकार है जिसने किसानों को गन्ना वृद्धि, गन्ना पे भी इन्होंने बढ़ा के मूल्य बढ़ा के दिया है पीछे, यही वो 25 रुपए अभी हाल ही में बढ़ाया इन्होंने क्विंटल पे। कितना बढ़ाया? यही वो किसान के 25 रुपया पर क्विंटल शायद अभी बढ़ाया था। इससे पहले कब बढ़ाया था? अब इसके पहले एक बार और, आज से 1.5 साल पहले एक बार किसान ने और बढ़ाई थी इसको। सर 5 साल बाद बढ़ाए रेट, 40 घंटे बाद जो 52,000 या 53,000 करोड़ रुपए किसानों के बकाया थे वो भी सरकार ने दिया है। तो ये किसानों के मन में ये बात भी बैठी रहेगी, जब वोट देने जाएंगे तो ये बातें बैठेंगी बैठेंगी। इसके साथ साथ एक नया आंकड़ा जो निकल के आया है वो ये आया है कि आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जो किसानों के खातों में पैसे जा रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन जा रहा है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये वोट जो है वो टर्नआउट होगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच बटेगा। जो वन साइडेड आज के डेट में दिख रहा है प्रथम दृष्टया वो नहीं होगा, ये वोट भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में बटेगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी जी जी, ओके ओके। कैप्टन साहब ऑडियो आ रहा है मेरा? हाँ अभी आओ, ऑडियो ठीक है। ओके ऑडियो आ रहा है ना? अब पहले जरा मैं मनोज यादव जी की बात सुन लूं। मनोज जी आप मुस्कुरा के रहते हैं जय जी की बात को सुन के, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप तो नाराज हो रहे हैं जय जी की बात सुन के। वो तो कह रहे हैं कि वोट बटेगा, स्वामी जी की बात उनको लग रहा है कि कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं, किसान नेता नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश का किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सॉरी सबका एक ही मुद्दा है, इस सरकार को हटाना है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एज ए विपक्ष में इस सरकार को घेर रहा हूं या सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। इसके पीछे मूल मुद्दे और मूल कारण यह है कि सरकार के अपने ही जो प्रोमिसेस थे जनता को लेके, उन प्रोमिसेस पे सरकार खरी नहीं उतर पाई, और जिन प्रोमिसेस को सरकार बताने की कोशिश कर रही है वो प्रॉमिस कहीं उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और जिस तरीके का भी डेवलपमेंट पे आप उसको अगर कसौटी पे कसेंगे तो उस पे शून्यता की तरफ ये सरकार जाती हुई नजर आ रही। बड़ा वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट हुआ 3 चुनाव में 14, 17, 19, और वो इसलिए था कि उसको ये लगता था कि ये जो नया राजनीतिक दल और देश के नए प्रधानमंत्री आए हैं ये कुछ मेरिकल करेंगे, जादू करेंगे हमारे साथ और हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। कुछ 15 लाख रुपए वाली बात थी। बिल्कुल मैं किसान आंदोलन पे आता हूँ। उसी सेगमेंट में किसान भी एक बहुत बड़ा पार्ट था। 1 जनवरी 2022 बीत चुका है, आज हम 15 जनवरी 2022 पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक किसान है जो किसान का अपना पक्ष रख रहे हैं, वो बताएंगे, और मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और घर पे खेती बाड़ी होती है और पूरे रिलेशन में खेती बाड़ी और दूध का काम होता है। हम लोगों की कोई आय दुगनी हुई नहीं है। जो बीजेपी के प्रवक्ता या हमारे जय दीक्षित जी जो राजनीतिक विश्लेषक है, ये बताएं हम कहां पे अपना धान, अपना गेहूं या सरसों किस जगह पे लेके जाएं
जहां हमको दूना मूल्य पे 1 जनवरी 2022 से मिलना शुरू हो गया। यानी आप एक गणित का नाम बता दें, उस सरकारी एजेंसी का नाम बता दें, वो सारी चीजें इनको बतानी पड़ेंगी। और सिर्फ महंगाई मिली है किसानों को। ओके मनोज भाई, मनोज एक एक मेरा सवाल लीजिए, फिर मैं कैप्टन साहब के पास चलूंगा। मेरा थोड़ा सा संशय था, उसको दूर करिएगा, हो सकता है मेरा सवाल भी गलत हो, उसको भी करेक्ट कर दीजिएगा। मैंने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर चुनाव होने, उसमें से आपने जो 29 प्रत्याशियों की घोषणा की है, 29 में से राष्ट्रीय लोक दल को 19 और समाजवादी पार्टी ने अपने पास 10 रखे, उसमें से 10 में से समाजवादी पार्टी ने 6 मुस्लिम चेहरों को चुनावी रण में उतारा है, और राष्ट्रीय लोक दल ने भी 3 चेहरों को, क्योंकि वो जाट वाला जो फैक्टर है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रीय लोक दल जो है वो सिर्फ सभी जाटों को ही टिकट देगा, ये 3 मुस्लिम चेहरों को राष्ट्रीय लोकदल ने भी दिया, ये क्या मसला है? मनोज जी, मनोज जी ये बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात है। इस देश के संविधान में सभी कुछ जी, आवाज मेरी आपको आ रही है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल। क्या इस देश में कुछ ऐसा है कि किसी मुसलमान को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा? एक बात नहीं। और समाजवादी पार्टी इन सारी बातों से बिल्कुल कदाचित घबराती नहीं कि हम मुसलमान हो, जाट हो, गुजर हो, सैनी हो। मैं पहले ही स्वामी जी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा, मैंने कहा मुजफ्फरनगर में एक नारा गूंजा, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, क्या ये वही कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? और राष्ट्रीय लोकदल ने भी 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया। आप उस बात को भी कह सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हर सेगमेंट में, हर क्षेत्र में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम उसको सम्मान देना जानते हैं। हम डरते नहीं और डर के पॉलिटिक्स भी नहीं करते। अगर बीजेपी ये डर के साथ सोचेगी कि समाजवादी पार्टी या हमारा लोकदल या किसान डर के राजनीति करेगा, तो हम उस पर डरने वाले नहीं है। जिस पे जहां जो जीतने वाला है उसको टिकट मिलेगा, और बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास लेके बाबा जी का टुल्लू दिखा रही है जनता को। ओके ओके, यानी आप कह रहे हैं कि जाट और मुस्लिम फैक्टर दिखाई देगा और वो किसान इकट्ठे हो गए हैं, जाट और प्लस मुस्लिम। ओके कैप्टन साहब, कैसे लड़ेंगे? गुजर, सैनी, मौर्या, सारा फैक्टर होगा, ब्राह्मण भी होगा। मनोज जी एक मिनट, कैप्टन साहब अब कैसे लड़ेंगे? पूरे सिख भी होंगे। मनोज जी आप सवाल पूछो, एक मिनट कैप्टन साहब, सवाल ये है कि अब इस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? देखिए पूरे देश की मीडिया तो एक सवाल टोलची हुई थी, अयोध्या से लड़ेंगे, किसी ने कहा मथुरा से लड़ेंगे। चलिए अच्छी बात है, आपने गोरखपुर से लड़वा दिया, बहुत अच्छी बात है। फैसला मुख्यमंत्री जी का, वो कहां से लड़ेंगे? चिंता मुख्यमंत्री जी से ज्यादा देश की मीडिया को थी। बार बार एजेंडा जो है वो डाइवर्ट हो रहा था, कभी अयोध्या से बम बम तो कभी काशी से बम बम, चिंता में मीडिया आ गई। अब कहां से बम बम करे? खैर अब वो मीडिया का काम, मीडिया जाने। लेकिन मेरा सवाल कैप्टन साहब आपसे ये, जो प्रश्न गुम हो रहा है, मुझे लगता है वो एजेंडा फिक्स नहीं हुआ होगा, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव और किसान आंदोलन की तपिश, हाथ जलने का डर है कि नहीं कैप्टन साहब? बिल्कुल तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कुछ एक किसान छोड़ दो जो सिलेक्टेड थे, बाकी पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी से खुश है, क्योंकि गन्ने का अगर बकाया भुगतान किसी ने किया है, 60 करोड़, लगभग 60 करोड़ रुपए पिछला बकाया था, तो आप सोचिए कि वो किसने आके पूरा किसानों को भुगतान कराया? भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पे गन्ना का जो समर्थन मूल्य है किसने बढ़ाया आके? भारतीय जनता पार्टी ने। किसान को हर सुविधा किसने दी? तिलक जी सुन ले, किसान के खेत में जब पानी की जरूरत पड़ती थी तो लाइट नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से ये 24 घंटे में दो घंटे लाइट देती थी समाजवादी पार्टी, आज हमारे यहाँ 18 से 22 घंटे किसानों को भरपूर लाइट मिल रही है। इस पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमने हर क्षेत्र में काम किया है, किसान जानता है
कि इतना अच्छा शासन जो मोदी और योगी सरकार ने दिया है अभी तक किसी ने नहीं दिया। आप एक चीज और देखें, आज एक मिनट थोड़ा दो सेकंड मेरी बात हो जाएंगे फिर मैं आपके सवाल का जवाब देंगे। आप तिलक जी उत्तर प्रदेश में चाहे शामली हो चाहे मुरादाबाद हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी आप अगर निकल के बाहर आम जनता से चलते रोड पे चलती हुई महिलाओं से अगर बात करेंगे तो एक ही जवाब होगा कि हम आज योगी सरकार में सुरक्षित है, अखिलेश सरकार में हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे, हमारे साथ कब बलात्कार घटना हो जाएगी कोई पता नहीं। और इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा, चाहे तो मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूं, अभी अभी मेरे पास आया है और मीडिया के माध्यम आया है। एक मुस्लिम युवक है, उसको पुलिस ने पकड़ा मोटरसाइकिल पे और पूछा कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, बोले मेरे पास नहीं है। नहीं है तो बोले आपका चालान कटेगा। तो सीधा उसको क्या धमकी दे रहा था ऑनलाइन, बोले तेरी औकात है सिर्फ 10 तारीख तक, 10 के बाद तेरे को रोड पे इसी पे पटक पटक के मारेंगे, हमारी अखिलेश सरकार आने दो। तो इनकी स्थिति तो अभी चुनाव रहित नहीं आए, पहले से गुंडागर्दी शुरू हो गई। कैप्टन साहब मुद्दे पे आए, मुद्दे पे, वो एजेंडा बाय एजेंडा चलता रहेगा, वो दिखाइएगा वहां पर, वो चलाते हैं ना जो, उनको बताइएगा सर वो चला देंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ आगे कैप्टन साहब, फिर मैं अभी मन्नू जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने कहा कि गन्ने का बकाया, और गन्ने का हमने बकाया के साथ साथ हमने गन्ने का दाम बढ़ाया, आपने यही कहा। अब चलिए मैं मान गया आपकी बात कि गन्ने का बकाया आप 14 दिन में दे रहे होंगे, आप ही के मुताबिक 14 दिन में भुगतान हो रहा होगा, ठीक है सर, 14 दिन में हो रहा होगा, जो कानून है आप ही के मुताबिक 14 दिन में करे होंगे, वरना ब्याज भी दे रहे होंगे, चलिए वो भी मैं मान लूंगा। गन्ने का समर्थन मूल्य सर कब बढ़ाया आपने? हर सीजन पे गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है तिलक जी, आप देख सकते हैं। हमने किसानों को एक जगह नहीं, आप एक गन्ने पे ही मत आइए, आप देखिए समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है, एमएसपी हमने दी है, लाइट भी हमने 22, मैंने क्या कहा, लाइट 22 घंटे मेरे किसान, पहली सरकार थी जिसने 22 घंटे लाइट किसानों को दिए, आज तक किसी ने नहीं दिए। मनोज जी हंसने से काम नहीं चलेगा, आपके कार्यकाल में किसानों के खंभे भी नहीं गड़े थे लाइट के, लाइट देना तो बहुत बड़ी बात थी। चलिए लाइट पर ही आ जाता हूँ, मैं लाइट पर आ जाता हूँ सर। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बिजली की दरें क्या है, रेट बता देंगे? किसानों की जो दरें है वही है दरें, और क्या है, क्या दरें कहीं कहीं अलग से नहीं है किसानों के लिए? जो किसानों की दरें है वो है, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है? बिल्कुल नहीं है, आप आंकड़े उठा के देखें, दूसरे स्टेटों के प्रांतों के भी देखें। जवाब देना चाह रहा हूं, मैं भी आप बताइए ना आंकड़े सर। मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें लाइट के ऊपर हमारी आपकी रेट के ऊपर डिबेट पहले भी हो चुकी है, आप देख ले कि दूसरे स्टेटों से हमारी लाइट के रेट कम है, आप दूसरे स्टेटों के मिला के देख ले। और फिर सबसे बड़ी बात तिवला की ये देखिए कि रेट मायना नहीं रखता, मायना रखता है क्या उनको लाइट मिल रही है। अखिलेश सरकार में तो लाइट ही नहीं थी, रेट इतना मायना नहीं रखता। अरे रखते हैं मगर जिस जो तुम्हें चीजें ही नहीं मिलेगी। एक मिनट मानिए आप मेरी बात को सुने, अभी तो आपको रेट दे के लाइट मिल रही हो, और पहले तो कुछ भी रेट दे दो लाइट थी ही नहीं, तब अच्छा था कि आज अच्छा है? अच्छा ठीक है, अब ये आपकी उपलब्धि है। अब मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, अभी मनु जी अपना फ्रेम सेट कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं चर्चा ही करूं और आप लोगों के सहयोग से मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहस नहीं कर रहा। कैप्टन साहब एक सवाल का जवाब अब ईमानदारी से, आपने कहा हमने बहुत कुछ किया किसानों के लिए, किसान 700 शहादत भूल जाएंगे लगता है आपको? 700 शहादत भूल जाएंगे? तिलक जी आप कैसे कह सकते हैं कि 700 किसान खत्म हुए? कोई आंकड़े हैं आपके पास? आप बताइए, खाली आपके पास है? मेरे बिल्कुल मेरे पास आंकड़े हैं कि कोई भी किसान कोई आप सुने मैं आंकड़े दे रहा हूं ना आपको, हमारे 700 किसानों की शहादत नहीं हुई, आप बोल दीजिए मैं मान लूंगा। नहीं कैसे हुई है बताइए ना, आप बताइए, हम आप बताइए कैसे हुई है? कोई वहां लड़ाई नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई लड़ाई, एक मिनट सुनिए आप, कोई लड़ाई नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, किसान की शहादत कैसे हो गई, कैसे हो गई आप बताइए ना। इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है
ये उसी पार्टी से संबंधित है जिनके प्रधानमंत्री संसद के अंदर जाकर ये बात बोलते हैं कि देश के अंदर कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मर रहा। किसान हो मुझे मालूम है, आपके आपके बीच में आतंकवादी भी थे। और दूसरी बात, आप खालिस्तान समर्थक आपके बीच में ही थे, बिजली 18 घंटे समर्थक आपके बीच में थे, आप माओवादी आपके बीच में थे, प्रदेश कितने जितने आतंकवादी थे सब आपके साथ ही बैठे थे। सीधा जा रहा आप अपने किसान मंडियों का तो अच्छा होगा, आपने निर्माण किया तो अच्छा होगा, कितनी मंडियां फंडिंग लेता था वो भी जानते थे, फंडिंग लेकर बैठे वो भी आप जानते थे, उत्तर प्रदेश में नहीं बिकता किसान की फसल दिलाने को तैयार था। आपकी वजह से वो किसान आज हमारे बीच में नहीं है। क्या कर रहे हैं आप जी? स्वामी जी क्या कर रहे हैं आप? प्लीज तिलक जी, कितना झूठ बोलेंगे और कब तक चुप होकर सुने इनको? मैं सुन रहा था इनको 15 मिनट से लगातार झूठ। आप तो झूठ, आप तो टोटली झूठ है। प्रधानमंत्री ने कानून वापस क्यों लिए ये बताइए। आपके आंदोलन में खालिस्तान समर्थक आपके साथ बैठे तो आप किसान होता? चुप हो जाओ। खालिस्तान को बांटने वाला खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो किसान का देश आपको सहन नहीं करेगा, ये झूठ सहन नहीं करेगा। स्वामी जी का ऑडियो, स्वामी जी मैं ऐसी चर्चा नहीं करता हूँ, प्लीज समझिए मेरी बात को, मैं ऐसे बहस नहीं करता। वो वहां पर दूसरी जगह वो चलता है, वो राष्ट्रहित के नाम पर टकरा दो, लड़ा दो, भिड़ा दो, जो देश को कलंकित कर रहा है पत्रकारिता के नाम पर वो करता है ऐसे कि लड़ा दो, किसान नेता को भी लड़वा दो, बीजेपी वालों को लड़ा दो, सपा को लड़वा दो। मेरा ये एजेंडा नहीं है। प्लीज अभिमन्यु त्यागी जी, आपने सुना जय दीक्षित जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, कही कि अब ये जो वोट बटेगा वो बीजेपी सपा प्लस राष्ट्रीय लोकदल में बटेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन का कोई असर दिखाई देगा या फिर नहीं? क्या ये सवाल इसलिए नहीं खड़ा होता कि कांग्रेस भी एक उम्मीद लगाए खड़ी थी? आप कहां है पिक्चर में? देखिए ये बात सत्य है कि किसानों ने इस तानाशाही सरकार को घुटने पर लाने का काम किया है। जो ये तानाशाही सरकार है, जो दुनिया की सबसे जो राष्ट्र है, जो दुनिया भर के जो तमाम राष्ट्र है उसमें सबसे बड़ी तानाशाही सरकार है जो भारत की सरकार है, उनको घुटने पर लाने का काम जो जिन किसानों ने किया उसमें उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी था। लेकिन उनको सिर्फ जाट के तौर पर अगर आप मान रहे हैं तो वो जाट के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल को वो किसान मुबारक हो। उन जाटों के अलावा भी किसान है। अगर राष्ट्रीय लोकदल की हम वोटिंग परसेंट की बात करें तो महज 2% वोटिंग परसेंट है इनकी उत्तर प्रदेश में। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पहले फेज में चुनाव होने जा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती है कि गांव के बाहर बैनर लग रहे थे, वहां रोकथाम थी इनके नेताओं को आने के लिए। और साथ में जहां पर मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, मजबूरी बस इन्हें 2% वोट शेयर वाले राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करना पड़ा है। और साथ में डिप्टी सीएम तक का पद और 35-36-40 सीटें तक ये दे रहे हैं। तो चुनौती इन दोनों के लिए भी आज बनी हुई है। देखिए जो 2017 का मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें इन्होंने वादा किया था कि 14 दिन में गन्ना किसानों का बकाया दिया जाएगा। लेकिन 14 दिनों में गन्ने का बकाया कहां दिया गया? मैं खुद गन्ना किसान हूँ, सिंभावली शुगर मिल जनपद हापुड़ में पड़ती है। हम किसानों का गन्ने का बकाया सरकार पर, गन्ना शुगर मिलों पर है, दो दो तीन तीन साल का गन्ने का बकाया। इसमें जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है वो पहले गन्ने का बकाया दे देती थी हम लोगों का और बाद में बता देती थी कितना पेमेंट बचा हुआ। जी मनु जी, एक लिस्ट है मेरे पास कि कहां का बकाया है, ठीक है, उस पर मैं अलग से कार्यक्रम करूंगा क्योंकि अभी उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी, राष्ट्रीय लोकदल की हैसियत क्या है,
तो मुझे ये बताइए कैसे पी गई हमने। हमने कहा 2% वोट शेयर वाले पार्टी, कहने का मतलब वही है, मजबूरी कही हमने, मजबूरी कही है, मजबूरी मजबूरी आपके साथ भी थी ना, जब कल को साइकिल पे उन्होंने बिठा लिया आपको तो अच्छे थे वो। आप सुनिए देखिए जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किसान आपके ऊपर ही क्यों भरोसा करे। देखिए बिना वादा किए 72,000 करोड़ की ऋण माफी करी कांग्रेस पार्टी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का किसानों को दिए गए अधिकारों की बात दिया, वो गांव के मजदूरों को दिया। आप देखते हैं कि कोई भी मजदूर कभी भी फांसी पर नहीं चढ़ता है, वो इसलिए क्योंकि उनके लिए एक योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई। इसी तरह से सोइल टेस्टिंग की योजना लागू की गई, मनरेगा के अलावा इन्होंने नहरवाई का निर्माण किया, साथ में रजवाहे का निर्माण हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे संसाधन नहीं थे, उन्नत बीजों की एमएसपी दिलवाई किसानों। एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सबको मजबूती सचमुच में सोचना पड़ेगा। उस पहलू में चूंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मैं खुद किसान की तरफ खड़ा रहूंगा, वो जरूर मिलनी चाहिए किसानों। अब आप ही की बात आगे लेकर जा रहा हूँ, मनोज जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मनोज यादव सुना आपने, वो कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी थी हमारी नहीं, डिप्टी सीएम तक का पद आपको ऑफर करना पड़ा, आपको उस पार्टी को सामने लाना पड़ा जो सिर्फ 2-3% है। जवाब दीजिए अभी मनु का। देखिए इस बात पे जो कांग्रेस रिएक्ट कर रही है समाजवादी पार्टी को लेके या हमारे गठबंधन को लेके, उससे हमें कोई बहुत ज्यादा रिप्लाई करने की इच्छा नहीं है। वो अपनी चुनावी प्रक्रिया में जाएं, बीजेपी को हराने का प्रयास करें और जो समीकरण कर सकते हैं वो करें। हमारा गठबंधन 2% वालों से, 1% वालों से, ये हमारा अपना पार्टी का और गठबंधन दलों का मामला है, और हम इन छोटे छोटे जो राशियां, इनसे एक बड़ा व्यवस्था बनाने के पूरी तरीके से लग चुके हैं। कांग्रेस हम पे हमला करके अपना समय जाया कर रही, कांग्रेस को पूरी तरीके से भाजपा से सवाल पूछने चाहिए, और जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के, महिलाओं के और बेरोजगारों के, व्यापारियों के, छात्रों के, लगता कि उन पे बात होनी चाहिए, ये ज्यादा खड़ी थी। किसान आंदोलन में कांग्रेस भी तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। देखिए हम ना तो इनका विरोध कर रहे हैं और ना ही हम इनसे कह रहे हैं कि आप किसानों के मुद्दे में मत कूदिए। हम तो चाह रहे हैं कि आप किसानों के पास जाइए। आप आरएलडी पे क्यों फोकस, समाजवादी पार्टी पे क्यों फोकस है? आपको स्वामी इंद्र जी के पास जाना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि आपकी क्या समस्या है। अभिमन्यु त्यागी जी, मनोज जी कह रहे हैं ध्यान बीजेपी पर केंद्रित करिए, हमारे ऊपर नहीं। देखिए भाजपा पे भी जरूरी है केंद्रित करना और सपा पर भी जरूरी है, जिन लोगों से, जिन गुंडे तत्वों को हराकर सपा सत्ता में आई थी, आज वो बस ओवर बस हो चुकी है इनकी। जो बस हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिनके खिलाफ हम लगातार 5 साल से कह रहे हैं सत्ता में, जो कह रहे हैं कि जो की जो दलित विरोधी है, जो पिछड़ा विरोधी मानसिकता है, किसान विरोधी मानसिकता है, वो लोग 5 साल सत्ता के बाद आज लोग खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता कह रहे हैं कि पिछड़ा विरोधी ये लोग है, वो तो हम लगातार 5 साल से कह रहे हैं। आज वो भाजपा में जा रहे हैं, मलाई चाट चाट के पहुंच रहे हैं। ये हम तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं कि ये 5, हम किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक दो तरीके के लोग हैं, एक है शोषक वर्ग, एक है शोषित वर्ग। जिन लोगों का शोषण हुआ है, एक तरफ वो लोग है जो जिस तरफ हम लोग खड़े हुए, एक तरफ है शोषण करता जिन लोगों ने सताया है लोगों को, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाके खड़ा हो गया। आज वो बसपा के लोग भारतीय जनता पार्टी की सपा की तरफ जाके खड़े हो गए, सपा की तरफ भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं। देखिए कैसे ओवर इनकी बस हो चुकी है। आज हम तो बस ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई किससे लड़ना चाह रहे हैं, भाजपा के नेताओं को ले जाकर जिन्होंने पब्लिक को सताया। हमें चिंता नहीं है, हम तो बात कह रहे हैं साइकिल की चिंता नहीं है। साइकिल में वो लोग पहुंच गए हैं, साइकिल में वो लोग पहुंच गए हैं जिन्होंने लगातार पब्लिक को सताया है। हमारे उस विचार से लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी की विचार है, जो किसानों को नरसंहार करते हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं। हमारी उनसे लड़ाई है जो गंगा में लाशें बहती हुई जिन लोगों ने नहीं देखी। अभिमन्यु त्यागी आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो कितने साइकिल पर कितने भी लोग बिठाए मनोज यादव की टेंशन है ना कि वो साइकिल चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? देखिए हम इनसे चिंतित नहीं है, हम तो चिंतित उन लोगों से है जो बाहुबली है, जो दबंग लोग हैं,
जो भाजपा में अभी तक थे और अब सपा में पहुंच गए हैं, जिन्होंने अन्याय किया है, बताओ उनकी अन्याय के खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे क्या? जिन्होंने आंखें बंद कर रखी थी धनराज की तरह, जब इस प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा था, जब गंगा में लाशें बही जा रही थी, उस दौरान वो लोग चुप थे। बस बस हो गया। अभिमन्यु जी के लिए मैं दो बातें महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से दिल्ली में बैठ के साजिश कर रही, माननीय राजचंद्र जी ने भी कहा और ये वक्तव्य मंतव्य हम लोगों का भी है, ये साजिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी हारे और भाजपा की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने। इनका टिकट भाजपा के लोगों को आप लोग और ले जो बयान है और इस डिबेट में भी आप तिलक जी देख रहे हैं कि जितने सवाल इनको सत्ता से कैप्टन भदौरिया से पूछना चाहिए उसके अलावा ये फोकस्ड आरएलडी और समाजवादी पार्टी पे, तो ये स्पष्ट है इनकी साजिश है कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी हारे और बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बनाए, यहाँ के किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, गरीबों को 5 किलो राशन पे केंद्रित करके अभिमन्यु जी की पार्टी बीजेपी के लिए रेड कार्पेट बिछाने का काम कर रही है, ये बड़ा दुखद है। आप भाजपा के नेताओं को ले रहे हैं, भाजपा के वो नेता नहीं है, वो पिछड़े दलित परेशान है, वो पिछड़े और दलित हैं जिन्होंने बीजेपी को, बीजेपी पे विश्वास करके बीजेपी को वोट दिया था, उनसे ये उम्मीद रखी थी कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट करेगी। आप कैप्टन इंद्रजीत भदौरिया पे कब सवाल करेंगे, मेरा आपसे सीधा सवाल है, व्हाई नॉट यू आस्क एनी क्वेश्चन मिस्टर भदौरिया, व्हाई यू फोकस समाजवादी पार्टी? नो, इस तरह की बातें करके आप मत इधर उधर भटकाइए डिबेट को। अभिमन्यु जी प्लीज, मनोज यादव जी, भदौरिया जी से सवाल करने का अधिकार मेरे पास है, मैं कर लूंगा। मनोज जी चिंता मत करिए, अभिमन्यु जी पूछ लें, एक आध क्वेश्चन पूछ लें, गन्ने का दाम 5 साल में 25 साल रुपए बढ़ा, कुछ पूछ लें का सवाल। ये तो हमने कहा गन्ने का, लेकिन आप काउंटर कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुना आपने कैप्टन साहब कह रहे थे कि 700 किसानों की कहां शहादत हुई, है आंकड़ा, उन्होंने बहुत गुस्से से डांटा मुझे, सुना आपने? और आप कह रहे हैं कि आप वोट बीजेपी को नहीं देंगे, किसको दोगे फिर? आप तो एजेंट हुए ना फिर मनोज यादव के, मतलब ये हुआ। तिलक जी मैं बता देना चाहता हूँ, इनसे हम कोई उम्मीद नहीं रखते, भारत की सरकार हो भले प्रदेश की सरकार हो। प्रदेश के अंदर आपने देखा कि कुछ समय पहले कुछ बच्चे इनकी गलतियों के कारण जो है ऑक्सीजन की कमी से हमारे बीच में रहे, बाद में कोरोना काल के अंदर खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर लोग ऑक्सीजन की वजह से चले गए, आज हमारे बीच में नहीं रहे, और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि लोग ऑक्सीजन कमी से गए। ऐसे ही अब किसानों को लेकर ये हल्के में ले रहे हैं कि किसान जो है इस आंदोलन में वीर गति को प्राप्त हुए उनको ये शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते। मैं इंदर जी की बौखलाहट को समझता हूँ, भदौरिया साहब की बौखलाहट को समझता हूँ, आप वो लोग हैं जो देश में देशवासियों को बांटने का काम करते हैं, आंकड़े कहां से आ गए? आंदोलन को आप यहाँ सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठे रहते हो कि ये नहीं, आप पे हैं आंकड़े दिखाएं, आंदोलन है आप पे, अगर आंकड़े हैं कि आंदोलन खत्म हुए तो दिखाएं, त्यागी जी के साथ सहमत हूं दिखाएं ना, ये है छत्तीस बिरादरी का आंदोलन है। अभिमन त्यागी आप सही कर रहे हैं, कोई मोरल है सभी जातियों के इनके साथ, उनके साथ पैसे से जुड़े किसानों के नाम की दलाली बहुत कमली भरने का काम दुनिया आपको जान चुकी है, आपके चरित्र को जान चुकी है कि आप कितने चरित्रवान हैं, दुनिया अच्छी तरह जानती है कि किसान का मुखौटा लगा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, किसानों को बेवकूफ बना रहे हो, आप किसानों को लेकर कमेटी बनाएंगे, दुनिया जानती है दुनिया कितने सारे किसान आपको जान चुके हैं कि आपके अंदर कितनी तालिक छुपी हुई है, किसानों के नाम पे मुखौटा लगा के जो तालिक पोत पे घूम रहे हो, वो सारे किसान आपको जान चुके हैं कि आप जो है ना किसान इत्यादि नहीं हो सकते, आप अगर समर्थक है तो माओवादियों के हैं, खालिस्तानियों के हैं, जो चाइना के है, आप इन लोगों के समर्थन है, आपको जो है ना आपको बीजेपी का समर्थन, को कब अधिकार मिलेगा, कब आप अजय मिश्रा का त्याग पत्र लेंगे, स्वामी जी आ रहा हूँ आपके पास, वही मुद्दे उठाऊंगा, कैप्टन साहब आराम आराम से चर्चा करेंगे ना, बहस तो कर रहे हैं हम। अब ये भी खालिस्तानी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, आतंकवादी हो गए, डिबेट में भी वही सब कुछ, रुक जाइए सर एक सेकंड। जय निश्चित जी,
मसला आप कह रहे थे कि किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर दूर हो जाएगी क्योंकि किसानों के हितों में मोदी सरकार ने बहुत फैसले किए हैं, लेकिन स्वामी जी तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। देखिए तिलक जी, मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को सुधार लूं कि मैंने ये कहा था सर तिलक जी की गवर्नमेंट ने दो बार, उत्तर प्रदेश सरकार जब से 2016-17 में बनी तब से दो बार समर्थन मूल्य गन्ने का बढ़ाया था। 2017-18 में योगी सरकार बनने के साथ ही उन्होंने 10 रुपए बढ़ाए थे, उस टाइम पे समर्थन मूल्य 315 था वो 325 हुआ। और सितंबर 26 को 2021 में एक बार और योगी सरकार समर्थन मूल्य 25 रुपए बढ़ा के 350 रुपए किया था, कुल 35 रुपए बढ़ा। लेकिन दो बार योगी सरकार ने किसानों का गन्ने का समर्थन मूल्य जो पिराई समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया है, टोटल 35 रुपए बढ़ाया है। अब वो कितना प्रतिशत है, क्या है, नहीं है, मैंने कहा कि बढ़ाया था तो मैं अपनी बात को संतुष्ट करते हुए आपको मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया था कि जो अर्बन क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी है वो 6 रुपया प्रति यूनिट से घटा के 3 रुपया प्रति यूनिट कर दिया था, जो है इनके जो समर सिल्वल की है। और फिक्स चार्जेस जो 130 रुपया पर था उसको 65 रुपया अभी हाल ही में चुनावी। अगर आप बिजली के दामों में दर पर कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं वो भी 4 साल के बाद। नहीं नहीं देखिए कमियां तो है लेकिन आप इसको भी दरकिनार नहीं कर सकते कि जो ये कालखंड 2020 से 2022 का रहा है इसमें कोरोना से प्रभावित हर क्षेत्र, हर व्यक्ति और हर परिवार कोरोना से भी प्रभावित रहा है। तो इस कालखंड को भागने में इन्हीं किसानों की भूमिका क्या थी सर? छोड़िए ना उस सियासत के पहलू को, मैं कह रहा हूँ कि देश को उभारा किसने, उस कोरोना काल में कौन खड़ा रहा, किसकी जीडीपी सबसे ज्यादा थी, कौन सा ऐसा किसानों का था? किसानों का जो देखिए जो कृषि जो हमने जहां तक स्टडी किया है खासकर कानूनों की, जो 3 काने कानून की बात स्वामी जी कर रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने किसानों के बीच जो मध्यस्थ थे, जो आड़ती थे, उनको खत्म करके और वो फायदा डायरेक्ट किसानों को देने की इच्छा शक्ति जताई। नहीं नहीं वो अच्छा था, आपके पास अगर नहीं होता तो आज मोदी सरकार नहीं। देखिए ये कानून काले थे, यही कारण था कि सरकार को वापस लेने पड़े और संसद के अंदर वापस लेने पड़े। ये किसी ने अपने घर में बैठकर वापस नहीं लिए और उसका हमने एक उदाहरण दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो काला बाजारी को रोकने का कानून था उसको इन्होंने काला बाजारी को बढ़ावा देने का कानून बना दिया। तो आप समझ सकते हैं ये कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए कानून लाए गए थे, देश की जनता की थाली से निवाला छीनकर बड़े बड़े धनाधों के गोदामों को भरने का काम करने का कानून था। ओके ओके स्वामी जी, अब प्लीज संयम के साथ बात सुनेगा, सबकी बात कैप्टन साहब ने बहुत संयम के साथ सुनी, मैं उम्मीद करूंगा सब लोग संयम के साथ सुनेंगे। कैप्टन साहब चलिए मैं आपकी बात मान गया, आपने मुझसे गुस्से में कहा, प्यार से कहा, नाराज होकर कहा कि 700 किसानों के आंकड़े कहां हैं आपके पास, अगर आप उपलब्ध करवाते तो मैं जरूर वही आंकड़े बताता। अगर आप कहते ना इतने किसान शहीद हुए या इतने नहीं हुए, ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं वही आंकड़े बोलता जो आप बताते। खैर वो आपने बताया नहीं इसलिए मैंने बोल दिया 700 किसान शहीद, क्योंकि वो सूची मेरे पास भी कुछ किसानों की भेजी थी और मुझे लगा शायद आपने उस पर जांच करवाई हो। खैर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आता हूँ उस महत्वपूर्ण पहलू पर, क्योंकि आपने कहा कि किसान हमारे साथ खड़े क्योंकि किसानों के हितों में हमने काम किए। 4 पहलुओं पर मैं आ रहा हूं और प्लीज बीच में कोई ना बोले, मेरी दरख्वास्त है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं बहस। आपने जब आंदोलन वापस लेने का जिक्र किया था, आपने कहा कि किसान आंदोलन का असर इस पूरे के पूरे चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा। अब स्वामी जी खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मनोज यादव के एजेंट है, एक्स वाई जेड, चलिए कम से कम किसान तो मानेंगे आप इनको। मेरा सवाल यह है कि जब आपने आंदोलन वापस लिया था तब आपने 4 कमिटमेंट किए थे, 4 शर्तों पर आंदोलन वापस। अब मैं वो 4 शर्तों का जिक्र कर, पहली शर्त सभी किसानों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, क्या लिए गए? जवाब दे सर। पंडित जी से पूछ, तिलक जी शायद आपको जानकारी नहीं होगी या होगी तो आप उसको कहना नहीं चाह रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कहा था कि किसानों का जो मुकदमों का जो मामला है वो स्टेट सरकारों के अधीन है, वो केंद्र के अंदर नहीं आता है। तो
इसके ऊपर जो है ना केंद्र सरकार ही नहीं जवाब दे सकती है। एक तो इन मनोज जी को बैठा के इनसे कहो बेशर्मों की तरह हंसा ना करे, बेशर्म बल्कि समाजवादियों की यही तो सबसे बड़ी पहचान है कि जहां भी जाएंगे तहां तहां कहीं ना कहीं हुआ कैसे कैप्टन है पता नहीं, पता नहीं कैप्टन हमें तो सब पता है ये भी नहीं मालूम। अरे अरे आपका नेता जैसे कैप्टन रहे होंगे, आप सुने 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 आपका नेता तो जेल में दारू, आपका नेता सरे आप बैठ कर झूठ बोलता है, उससे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं हो सकता। अखिलेश यादव सरे आप झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा झूठा तो मेरे कोई आज दिन तक नहीं देता। कितना ज्ञान की बात कर रहे हैं, नहीं ज्ञान की तो, ज्ञान की तो अरे गजब का ज्ञान है। जब मैं तो अखिलेश को तब से जानता हूँ जब वो समाजवादी के सदस्य नहीं बने थे, नेताजी के कृप पुत्र के नाम से गिनती होती थी उस टाइम से जानता हूँ, आप तो शायद अब जानते होंगे, ठीक है ना। मैं क्योंकि मैं वहां से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। और एक आपका ज्ञान वर्धन और कर दू, मैं लोहिया वानी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, शायद आपको नहीं मालूम है। सब मालूम है, सब मालूम, इसलिए मुझे ना बताइए समाजवादी किसानों के मुकदमे पे, बताइए किसानों के मुकदमे पे पूछ रहे। आपने कहा कि ये मसला केंद्र का नहीं है राज्यों का है, तो केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार में यानी मुकदमे वापस नहीं लिए गए, आप ये कह रहे हैं। इसीलिए मैं आंसर आता तिलक जी, प्रांतों के ऊपर है, प्रांत अपने हिसाब से उसको जांच कराएगा, देखेगा मुकदमे कौन से मुकदमे कहाँ है, किस बेस में है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर उनके प्रक्रिया होगी। ये नहीं कह रही है और बीजेपी सरकार ने वापस ले लिए, पर पंजाब में कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा, वरना मैं डिबेट, अगर आप कहते हैं तो लड़ते रहिए आपस, मैं सवाल नहीं पूछता। नहीं अब ये बीच में बोलते भी रहे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में बोलना अपनी तो नहीं समझता हूँ। कैप्टन साहब नहीं नहीं आप नाराज मत होइए, नाराज मत, प्लीज मेरी सबसे दरख्वास्त है कैप्टन साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं प्लीज संयम के साथ प्लीज। कैप्टन साहब मेरा दूसरा सवाल ये है, एमएसपी पर कमेटी बनाने का जिक्र हुआ था, क्या वो कमेटी बनी या फिर नहीं, अगर बनी तो उसका अध्यक्ष कौन है? तिलक जी ये कहा है कि इस पर कमेटी बनेगी तो बनेगी, आप तो एकदम ये देखते हो कि आम लगाओ और फल तोड़ लो, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हो गया है, उस पर विचार हो, बिल्कुल समिति बनेगी, अगर उसको कमेंट सरकार ने किया है तो वो एक भी काम ऐसा जो नहीं है कि ना हो। आप सोचिए कि अभी एक डेढ़ महीना पहले तो इसकी घोषणा हुई है, उस बीच में चुनाव आ गए और आप कहते हो, आपने अभी से कह दिया कि बनी कि नहीं बनी, भाई जब कहा है तो जरूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? अगर प्रधानमंत्री ने कोई कमेंट किया है तो वो अवश्य पूरा होगा। ठीक ठीक, अभी भी नहीं बनी कमेटी, ओके आपकी बात मान लिया। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, लखीमपुर खीरी कांड में आरोप लगे थे मंत्री के ऊपर, मंत्री अभी भी पद पर हैं, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको 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 आरोपी नहीं बनाया है, उनका बेटा आरोपी है, बेटा उनका चार ओ, क्या मंत्री आरोपी है उसमें? मंत्री बिना उससे जांच के, बिना उससे पूछताछ के चार्जशीट दाखिल हो गई। आप एक बताए तिलक जी, उनका बेटा आरोपी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, एसआईटी पूरी ने जांच करी है, उसमें केंद्र के मंत्री का इन्वॉल्व कहां से कहां हो गया? ना तो वहां वो प्रेजेंट थे, ना वहां वो प्रेजेंट थे, ना उनके नाम एफआईआर है, फिर आप उनको उसके बीच में क्यों लेके आ रहे? आप एक चीज देखिए, एक सेकंड आप हमारी बात तो सुन रहे, एक मंत्री का पुत्र जैसे ही आरोप लगा तुरंत उनको घसी उठा के जेल में बंद कर दिया गया है, अन्य सरकारों में ऐसा आपने नहीं देखा होगा। अभी दो दिन पहले देखिए, दो दिन पहले एक मुख दर्शक लड़की के साथ, मुख दर्शक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है अलवर में, आरोपी अभी तक फरार है, और यही यही कांग्रेस, यही समाजवादीवादी पार्टी हाथरस में नंगे नाच रहे थे, टांडम मचा रहे थे, आज इनके दोनों जनों के मुंह से ये नहीं निकला है। पराली को लेकर आपने कहा था कि क्लॉज 415 हटा क्या, पराली को लेकर
शायद नेटवर्क डिस्कनेक्ट। कैप्टन साहब आ रहे हैं फ्रेम पर। कैप्टन साहब, पराली को लेकर जो फैसला लेना था वो लिया क्या वापस? कैप्टन साहब, पराली को लेकर चला गया सर, ऑडियो चला गया कैप्टन साहब? कैप्टन साहब, दूसरा सवाल पूछूं? ऑडियो चला गया, ओके, हो सकता है ऑडियो चला गया, ओके। अभी मनु त्यागी और मनोज यादव, फाइनल कमेंट आपका, फिर मैं कुछ तस्वीरें छोड़कर जाऊंगा। अपने सहयोगी सुमित से चाहूंगा कि वो जल्दी से वो तस्वीरें भी प्ले करेंगे अभी, लेकिन पहले फाइनल कमेंट अभी मनु त्यागी आपका। मनोज यादव कह रहे हैं कि आप लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी पर है, सवाल बीजेपी से पूछने चाहिए, आप विपक्ष से पूछ सवाल रहे। सवाल तो इसलिए बनता है क्योंकि भाजपा के उन लोगों को ये लोग ले रहे हैं जिन्होंने शोषण किया है। हमने सिर्फ इतना कहा, ये नाराज हो गए मनोज यादव जी। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि एक विचार है जो लगातार नफरत खोल रही है लोगों के, नौजवानों के मन में, वो है भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस का विचार, जो नैरेटिव बना रहे थे। आज देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो सोनभद्र में जो नर्स सोनभद्र में जो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा भी गठबंधन रहा इन दलों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा प्रयोग है सफल लाश में कोई दिक्कत नहीं। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो सोनभद्र में नरसंहार हुआ, उन महिलाओं को जो सीएनआरसी पर जो महिलाओं को पीटा, जेल में डाला, उसमें से एक महिला ले ली। जो लखीमपुर खीरी में जो ब्लॉक प्रमुखी को चुनाव लड़ने जा रही थी रितु सिंह, उन्हें एक लड़की ले ली। हमने एक शोषक वर्ग की तरफ से महिला ले ली, अल्पना निषाद ले ली, रितु सिंह ले ली, आशा सिंह ले ली, और इस तरह से हमने वो महिला ले ली जिनके साथ शोषण हुआ, जो लोग उठ खड़ी हुई लड़ाई लड़ी। और दूसरी तरफ है शोषणकर्ता जो इस सरकार में थे 5 साल, वो लोग सरकार में रहे आंखें बंद करके रखे, उन्होंने धृतराष्ट्र की तरह। हम कहना चाह रहे हैं कि आप किस ओर खड़े हुए, आप किस ओर खड़े हुए, आप सदर जफर की तरफ खड़े हुए जो जेल गई सीएनआरसी के लिए, या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता की तरफ खड़े हुए, आप योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की तरफ खड़े हुए? मनोज यादव, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर से प्रयोगशाला बनेगा? क्या वाकई जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो कभी पहचान हुआ करता था उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्या एक बार एक साथ इकट्ठे पर हो पाएंगे मंच पर? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ जाट और मुसलमानों को नहीं, समाजवादी पार्टी जाट, मुस्लिम, गुजर, सैनिक, वो कौशिक हो, वो चाहे शर्मा हो, त्यागी हो, जितनी भी कास्ट है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगी। जाट हो या और भी जितनी भी शेड्यूल कास्ट में आती है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित रूप से और एक सद्भावना की भावना बनाने के लिए। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, उनकी बात का जवाब दूं तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जो कैप्टन साहब ने कहा वो बड़ी, इसलिए मैं हंसा, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट को पुलिस का पूरा पावर है, और सबसे गंभीर अगर मुकदमे किसानों पर लगे हैं तो सारे मुकदमे दिल्ली में दर्ज है। इसके बाद हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कितने मुकदमे ये आपको भी पता है, लेकिन हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक अगर मुकदमे किसानों के वापस नहीं लिए तो ये चुनाव के मद्देनजर था, जो कि इनको गांव में घुसना था, इसलिए इन्होंने उस आंदोलन को किसानों की बात मान के खत्म करा दिया। कैप्टन साहब, ऑडियो आ रहा है? कैप्टन, अगर बीजेपी चाहती है कि ये रियल में कुछ काम कर सकते हैं तो अभी भी कुछ हो नहीं बीता है, इनको जनता के बीच जाना चाहिए और अपनी बातें, प्रधानमंत्री जी के वादे, मुख्यमंत्री जी के वादों को पूरा करके तब बात करनी चाहिए, तब मैं तिलक जी समझूंगा कि कुछ बेहतर है। ओके ओके, जयदीशी जी जल्दी से 10 सेकंड। तिलक जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, जातियों में बात के जिस तरीके की राजनीति हो रही है, इससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं, हिंदू बनाने से राजनीति क्या बहुत बेहतर हो जाती है क्या? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि हमने प्रयोग किया था, वाकई पिछले दो सालों से, दो चुनाव से, 2014 में लोकसभा और 2017 में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी ने एक बार कांग्रेस के साथ का गठबंधन करके प्रयोग किया था, और कांग्रेस ने समाजवादी के साथ, और एक बार बसपा ने समाजवादी के साथ प्रयोग कर लिया है, ये तीसरा प्रयोग है। और जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा अपना विश्लेषण कहता है, वो ये कहता है कि जितना तेज कांग्रेस लड़ेगी, जितनी तेज मुद्दों को लेके या जिस तरीके से भी कांग्रेस अपनी जितनी मजबूत होगी, कहीं ना कहीं उसका नुकसान सपा और बसपा को होगा,
और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अगर यही रहा स्थिति जो आज बनी हुई है परिस्थिति, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में रिपीट होने जा रहे हैं। जो समीकरण जीत ले पहले, जो मुझे दिख रहा है जीत ले चुके। अच्छा, आपको दिख रहा है वो तो अयोध्या की जगह अपने घर पहुंच गए हैं, सीधा मठ पहुंच गए अयोध्या की जगह। अरे पहले अपना लड़के जीत ले, 32 घंटा 32 मठ पहुंच गए, 32 मठ में पहुंच गए, बैक टू पवेलियन, बैक टू पवेलियन। देखिए सुनिए मेरी बात, उत्तर प्रदेश के निवासी विधानसभा में किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। वो कहां से लड़ रहे हैं, कहां के किसान दलित वोट नहीं कर रहे थे क्या? कैप्टन साहब डिबेट से चले गए। ओके ओके, कैप्टन साहब डिबेट से चले गए, कैप्टन साहब डिबेट से चले गए, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा था। खैर, अब कैप्टन साहब चले गए तो वो तस्वीरें नहीं दिखाते, कोई बात नहीं, लेकिन उस तस्वीरों पर मैं उनका कमेंट चाह रहा था। लेकिन कैप्टन साहब डिबेट में पहले ही चले गए, हो सकता है कि वो नाराज हो गए सवालों से। लेकिन जी, इस पूरे कार्यकाल में जिस पे ध्यान नहीं दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो रहा अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, वो मेरा एजेंडा है। मैं 80, 20, 85 और 15 हम न्यूज वन इंडिया एक एक एजेंडे पर चल रहे हैं, एकमात्र एजेंडा, जैसे आजकल चलता ना हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो, टकरा दो, गिरा दो, वो एक एजेंडा फिक्स होता है हर तरह का। हमारा एजेंडा फिक्स है, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हैं इस मंच से। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय ऋषि जी, स्वामी आपका, मनोज यादव आपका, अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सियासत है, और सियासत के नजरिए से क्या वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर से एक नई इबारत लिखने वाला है? क्या वाकई में समीकरण संकेत दे रहे हैं कि कुछ नया प्रयोग होगा? चलिए आप आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका इस बार निभाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।